This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 19 जीवक ऋषभक काकोली क्षीर काकोली मुद्गपर्णी माशपर्णी मेदा वृद्धरुहा जटिला कुलिंगा इति दशेमानी शुक्रजननानी भवंती। इस विषय में ये सभी जीवनीय द्रव्य हैं, जितने भी मधुर स्निग्ध शीत द्रव्य हैं, वे सभी वृष होते हैं, सभी वाजीकरण होते हैं, शुक्र वृद्धक होते हैं, वृद्धि करने वाले होते हैं। इसकी एक अच्छी व्याख्या रसायन अध्याय में की हुई है। उसमें साधारण तौर पर इन द्रव्यों का गुणधर्म बताया है। उसमें कहा है कि जो द्रव्य मधुर है, स्निग्ध है, शीत है और मनसो हर्षणम यच्च तत्सर्वम ऋष्यमुच्यते। इस प्रकार ऋष्य द्रव्य का अभिप्राय है प्रायः जीवनीय भ्रूंगण करने वाले मधुर स्निग्ध द्रव्य सभी ऋष्य होते हैं। अब उसमें भी विशेष तौर पर इनका प्रयोग जब अधिक मात्रा में आपको करना है तो इसका प्रयोग इन द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। जीवक ऋषभक काकोली क्षीर काकोली मुद्गपर्णी माशपर्णी मेधा रुद्रोहा कुलिंगा इत्यादि। अब इसमें इनके सभी के नाम ये जो है अभी आपको परिचित है सभी। तो इसमें खास तौर पे एक जो प्रचलित है उनमें कोकिलाक्ष इसका इसमें इक्षुरक नाम से लिखा है। उसके बाद माश जो इसमें आया है और तीसरा कपिकच्छ बीज। ऐसे ये नित्य रूप में चलने वाले द्रव्य हैं। वैसे अपने नित्य के आहार में जो शाली है ग्रेष्मिक ये कौन सा हेमंतिक शाली दूध घृत शर्करा ये सभी वाजीकरण है, जैसे शुक्र वर्धक है वृद्धिकर है। इसलिए स्वतंत्र रूप से कोई विशेष दवा खाने की आवश्यकता जब जहां पर वाजीकरण की आवश्यकता है वहां पर इन द्रव्यों का प्रयोग करने में आपत्ति नहीं है, अन्यथा इसकी आवश्यकता नित्य जीवन में पड़ती नहीं है। जब कुछ कारणवश शुक्र वृद्धि करने की आवश्यकता होती है तब इन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा नित्य सेवनी के लिए इसकी आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। हमारा नित्य का आहार विधिपूर्वक लिया हुआ ये स्वयं इनमें कई द्रव्य ऐसे जो मधुर स्निग्ध है और शुक्र वर्धक का वृद्धि करने वाले हैं। शुक्र वृद्धिकर और वाजीकरण इसमें थोड़ा अंतर है। शुक्र के निर्मिति अधिक करने वाला ये शुक्र वृद्धिकर और वाजीकरण ये भिन्न अर्थ में सभी इस अर्थ के साथ अन्य अर्थों के लिए भी उसका प्रयोग होता है। और वाजीकरण में एक द्रव्य शुक्र वृद्धक होता है शुक्र वर्धक होता है अश्वगंधा शतावरी कपि कच्छु माश सर्पी गुड़ ये सब इसमें आते हैं। तो इसके लिए खास कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जब अगला गण हम देखेंगे जो दशेवानी शुक्र शोधनीयानी उसमें शोधनानी उसमें ज्यादा भाष्य करने की आवश्यकता है उसमें हम करेंगे, इसमें ज्यादा भाष्य नहीं करेंगे अभी हम। तो इसमें हम चलेंगे अभी अपने अगले अध्याय में, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब अगला अध्याय नवेगान धारणीय पढ़ो। हम आए
गए थे, सात पर, सात पूरा, आठवा अध्याय पूरा सात हुआ था, नौवा। नौवां पूरा हुआ था सर। हाँ सर बारहवां से शुरू करेंगे, 12वें से, 12th नंबर से। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय सात श्लोक क्रमांक 12। संगो विणमूत्र वातानाम अधमानम वेदनाक्लमाहा जठरे वातजाहा चान्ये रोगाहा स्युहु वातनिग्रहात् स्नेह स्वेद विधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च पानानि बस्तयाहा चैव शस्तम वातानुलोमनम्। यहाँ अत्यंत में कितना आता श्लोक, श्लोक नंबर के लिए कितना तुम्हें था? हेलो। हाँ तो नौवा श्लोक हो गया था हमारा, और अभी दसवा हम लेंगे। मेढ्रे वृषणयोः शूलम् अंगवर्धो हृदयव्यथा भवेत् प्रतिहते शुक्रे विबद्धं मूत्रमेव च तत्र अभ्यंगो अवगाह मदिरा चरणायुधाः। जब शुक्र का वेग का हाँ हेलो सर, 12वें श्लोकापासून वाचलं हे झाले का नाही झाले? हे दहावा नाही झालाय तो वाचू का मग सर? नको, मी वाचलं मी आता, मी सुरू करतोय। दसवा श्लोक ले रहे हैं हम, कि दसवा श्लोक है, यहाँ शुक्र का वेग धारण करने से होने वाले व्याधि है। तो इसमें वृषणशूल, मेढ्रशूल, इसमें अब यहाँ की लिखा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन संदर्भ से जैसे मूत्राश्परी में और मूत्रकोश में होता है, वैसे विविध स्थानों में शूल, जैसे कटिशूल, उदरशूल, वंक्षणशूल, ये सभी उसमें होते हैं। तो यहाँ केवल वृषणयोःशूल कहाँ है, ये उपलक्षण मात्र है। तो यहाँ कटिशूल होता है, वंक्षणशूल होता है, और अंगमर्द भी होता है। यह हृदय व्यथा शब्द है, अस्वस्थता, और हो सके तो स्नायु कहीं ना कहीं आसपास में स्नायु शूल, मुख्य रूप से अस्वस्थता होती है, मन अप्रसन्न होता है, तो इसलिए हृदय व्यथा। और भवेत शुक्रे प्रतिहते, यहाँ प्रतिहते शुक्रे ये षठी सप्तमी है, और ये उसी के लिए अर्थ, उसी अर्थ से इस शब्द का प्रयोग किया है, शुक्र शुक्र वेग के अवरोध के लिए ही ये शब्द उपयोग आया है। अब इसमें चिकित्सा क्या करनी है, इसमें विबंध भी होता है और मूत्र मूत्र अवरोध भी होता है, इसमें चिकित्सा तत्र अभ्यंग अवगाह मदिरा और चरणायुधाः। देखिए चरणायुध शब्द का अर्थ है कुक्कुट मांस, कुक्कुट का मांस देना है, और शाली पयहा, जितने भी वृष्य द्रव्य है उनका प्रयोग करना है, चरणायुध ये वृष्य है, मुर्गे का मांस ये वृष, चरणायुध यानी ये शब्द सामासिक शब्द बना है, जिसके आयुध चरण है, चरण चरणों एवं यस्य आयुधः सह चरणायुधः, चरणेन युध्यते इति, तो चरणायुधः। और दिखा और अन्य पदार्थ में शाली, शाली मैंने कहा कि ये वृष्य है, और पय भी वृष्य है, और उसके साथ सिर्फ उन्होंने निरूह भी देने के लिए कहा है, निरूह अनुवासन भी, च शब्द से अनुवासन भी अपेक्षित है, निरूह कभी अकेला नहीं दिया जाता, निरूह देने के बाद अनुवासन देना आवश्यक, इसलिए है कि ये
आवश्यक हो तो देने की आवश्यकता है। ये प्रारंभ में आप देते हो तो इससे वेग उत्पत्ति होती है पुरुष मूत्र की, और मूत्र पुरुष के वेग के साथ ये शुक्र अवरोध, शुक्र ग्रंथि, शुक्र अश्परी व शुक्र का अवरोध, इसको भी गति मिलती है और वो स्वयं बाहर निकल जाता है। इसलिए पहले निरोग अनुवासन एक करना, और उसके बाद नहीं होता है तो फिर वृक्ष द्रव्य देकर वृक्ष द्रव्य देने चाहिए, वृक्ष शाली षष्टि का देने चाहिए। उसके बाद वात निग्रहात, वात निग्रह का अभिप्राय अपान क्षेत्र से है। अब वो कहते हैं संगो विन्मूत्र वातानाम आत्मानम वेदना क्रमः। संगो विन यदि आप तत् वेदना क्रमः जठरे वातजानि च अन्ये यो रोगाः सु वात निग्रहात्, तो उसमें इसके साथ साथ लक्षण बताए हैं अपान वायु के अवरोध से। पहला लक्षण है संगो विन मूत्र वातानाम, विन मूत्र और वायु, मूत्र पुरुष इनका अवरोध, इनकी गति यानी नॉर्मल अनुलोमन होता नहीं, इनका संग होता है और परिणाम ये होता है उसमें फिर उदर शूल, पृष्ठ शूल, शिरस शूल और थकान, बिना परिश्रम के थकान भी आती है और अध्वान भी होता है। अब इसमें वेदना शब्द जो है इसका अर्थ शूल इतना मात्र नहीं है, विद ये शब्द है, वेद विद वेद ये क्रियापद है, विद इसका अर्थ है जिससे अनुभूति हो, उन सबको वेदना कहते हैं। वो अच्छी वेदना भी हो सकती है और जो दुखदायक वेदना भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो विषय रोग का है, इसलिए अधिकरण रोग का है, इसलिए यहाँ वेदना का अर्थ विविध प्रकार के अस्वस्थता का अनुभव, ये वेद शब्द से होता है, इसलिए वेदना। इसमें शिरस्वल भी होता है, इसमें अपानावृत समान भी होता है, अपानावृत समान होता है यानी अपान क्षेत्र में अवरोध होने के कारण अग्नि में विकृत होता है, और जब आप अनुलोमन करोगे और फिर अग्नि दीपन करोगे तो वो फिर अपना कार्य उत्तम करता है। ये अवस्था जैसे वेगावरोध से आती है वैसे अन्य कारणों से जब वेग का अवरोध होता है, वेग धारण यह आपने किया तो उसके लक्षण भिन्न, और किसी अन्य कारण से वेगावरोध होता है तो उसके लक्षण भिन्न, ऐसे नहीं होता है। क्षेत्र के हैं लक्षण वही करेंगे, यदि वेगावरोध आपने किया तो जो लक्षण होंगे उन लक्षणों के साथ अधिक कुछ लक्षणों मिलकर जब किसी अन्य कारण से वेगावरोध होता है तो भी यही होने वाला है। जैसे उदाहरण के तौर पर अर्श है और अर्श प्रभावी है, अब इस अर्श में वेगावरोध होता ही है, इसमें वायु का अनुलोमन होता नहीं, इसलिए मैंने कहा, और ये बार बार होता है और परिणाम यही होता है। क्या होता है? संगो विन्मूत्र वातानाम अद्मानम वेदना क्लमः। अब इसके साथ साथ फिर अर्श के लक्षण भी हो गए।
और जठरे वातजानि अन्य रोगाः स्यु, और इसका परिणाम जठर में यानी उदर में अन्य वातज व्याधियां हो सकती है। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार वेगावरोध करने की यदि किसी को आदत है तो उसका परिणाम अग्नि उसका परिणाम अग्नि मंद होना ये होता है, और अग्नि मंद होने के बाद कुछ भी हो सकता है। अग्नि मंद होने के बाद किसी भी क्षेत्र का, खास करके उदर का व्याधि तो होता ही है, लेकिन अन्य व्याधि भी होती है, इसलिए उन्होंने मुख्य व्याधि को लिया है। जठर के व्याधि हो गए, पहला अग्नि मंद होगा, उसके बाद फिर वात प्रकोप होते होते पूरे शरीर में ये प्रक्रिया होकर भिन्न भिन्न व्याधियां इस कारण से हो सकती है। देखिए उदाहरण के लिए हम चरक का चिकित्सा स्थान का 26वां अध्याय देखेंगे। चरक सूत्र चिकित्सा स्थान सब स्त्रीवर्मीय चिकित्सितम, उसमें 26वें अध्याय में श्लोक नंबर 5 से पढ़ो। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 26 श्लोक क्रमांक 5। कषाय तिक्त उष्ण रुक्ष भोजनैहि संधारणा संधारणा संधारण अभोजन मैथुनैहि च पक्वाशये कुप्यति चेदपानाः स्रोतांस्यधोगानि बलिस रुध्वा करोति विण मारुत मूत्रसंगम क्रमात् उदावर्तम अतः सुघोरम् रुक्बस्ति हृत्कुक्षि उदरेषु अवभीक्ष्णम् सपृष्ट पार्श्वेषु अतिदारुणा स्यात् आत्मान हृल्लास विकर्तिकाश्च तोदो अविपाकश्च सबस्तिशोथाः वर्चो अप्रवृत्तिः जठरे च गण्डानि ऊर्ध्वश्च वायुर्विहतो गुदे स्यात् कृच्छेन शुष्कस्य चिरात् प्रवृत्तिः स्याद्वा तनुः स्यात् खररुक्षशीता ततश्च रोगा ज्वर मूत्रकृच्छ प्रवाहिका ऋतग्रहणी प्रदोषाः वम्या वमी आंध्य बाधिर्य शिरो शिरो अभिताप वातोदर अष्ठिल मनोविकारः तृष्णा अस्र पित्त अरुचि गुल्म कास श्वास प्रतिशाय अर्दित पार्श्वरोगाः अन्ये च रोगा बहवो अनिलोत्था भवति उदावर्त कृताः सुघोराः चिकित्सितं चास्य यथा यथावत् ऊर्ध्वं प्रवक्षते श्रुणु च अग्निवेश। देखिए श्लोक क्रमांक 5 के दूसरे पंक्ति में संधारणात् शब्द है। संधारणात् वेगावरोध ये विविध प्रकार है अपान क्षेत्र के, उनके कारण यदि ये बार बार करने की किसी को आदत है तो ये होता है, इतने व्याधि हो सकते हैं। तो उन्होंने केवल एक का विविधाश्च वात व्याधया ये है, ये सभी वात व्याधियां इस बार बार वेगावरोध करने से हो सकता है, ये एक हुआ वेगावरोध का। और दूसरा, अब यदि कोई व्यक्ति वेगावरोध न करता हो स्वयं, लेकिन
व्याधिवश यदि किसी व्याधि के कारण वेगावृत होता है, जैसे मैंने कहा अर्श है, तो उसमें भी यही होता है। तो उसमें फिर अपन क्षेत्र विकृत होने के कारण अन्य व्याधियां भी हो सकती है, इसलिए हम अभी अर्श अध्याय निकालेंगे। अर्श अध्याय का श्लोक क्रमांक 5। श्लोक क्रमांक 8 से 8 पर नीचे नीचे से लेकर सर कौन एक सा दो अध्याय है? तीन चार पांच छठवीं लाइन, जन्म प्रभुत यहा पांचवी लाइन, एक दो तीन चार पांच छ, हाँ गुदजई आवृता। सर एकदा रेफरेंस सांगता सर परत, हाँ चौदह रेफरेंस अध्याय परत चौदह एकदा सांगता सर, अध्याय 14। अर्श अर्श अध्याय 14। सर माझा लॅपटॉप बंद झालाय तर मी मोबाईल मधनं दाखवते श्लोक नंबर सर। आठवा श्लोक खालून पाचवी लाईन, याच्यात नाहीये का? सर दाखवते 2 मिनिटात, लॅपटॉप बंद झालाय मोबाईल मधनं दाखवते। बर, मी वाचतो तोपर्यंत। श्लोक नंबर 8 नीचे से, अध्याय 14 पेज नंबर 501 नीचे से लेकर पांचवी लाइन। तो अर्श चिकित्सा में जन्म प्रवृत्तस्य उदजई आवृत मार्गोपरोधात् वायुः अपानः प्रत्यारोहन समान व्यान प्राण उदानान पित्तश्लेष्पाणौ च प्रकोपयति, एते सर्व एव प्रकोपिता पंचवायवः पित्तश्लेष्पाणौ च अर्श अर्शसम अभिद्रवन्तः एतान् विकारान् उपजनयति। ये वेग अवरोध के कारण होता है, यानी वेग क्या, व्यक्ति ने वेग अवरोध करना ये भिन्न है, और किसी कारणवश वेग यदि बार बार अवरुद्ध होता है तो ऐकू है ना? वो सर होते हाँ, तो भिन्न भिन्न प्रकार के उदरस्थ व्याधि और अन्य शरीर के व्याधि भी हो सकते हैं, इसलिए वेगावरोध किसी ने किया हो ये बात ठीक है, बार बार किया हो। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है, इन सभी उदरस्थ और अन्य व्याधियों का कारण हो सकता व्याधिवश वेग का अवरोध, अपान क्षेत्र का। तो इस अपान क्षेत्र के अवरोध के कारण चारों वायु अवरुद्ध हो सकते हैं, अग्नि भी अवरुद्ध हो सकता है, और श्लेष्मा पित्त भी प्रकोपित हो सकते हैं। इसलिए राजयक्ष्मा में एक हेतु वेगावरोध है। राजयक्ष्मा के लब्ध्वा चतुर्विधम हेतुम यक्ष्मा समाविशति मानवम्। चार प्रकार के हेतु प्राप्त होने के बाद मानव में यक्ष्मा प्रवेश करता है। यक्ष्मा ये जीवाणु का नाम है, रोग करने वाले मूर्ति का नाम है। इसलिए वेगावरोध की कल्पना दो प्रकार की है, दोनों उदावर्त है। उसका भी नाम उदावर्त ही है, जो हमने 26 चैप्टर देखा वो भी उदावर्त है। ये वेग अवरोध व्यक्ति ने किया तो होने वाला उदावर्त है, और वो उदावर्त व्याधि वश हुआ है। तो
तो भी उसको उदावर्त कहते हैं। इस प्रकार ऐसे उदावर्त हो सकता है। तो उसमें क्या करना है फिर? तो स्नेह स्वेद वर्तयो भोजनानि पानानि वस्त्रयः चैव शस्त्रं वातानुलोमनम्। बस कुछ नहीं करना है इतने। इसमें यदि व्यक्ति के कारण बार बार वेगावरोध होता है, किसी कारणवश वेगावरोध करता है, तो उसमें ये जो वेदना बताई है ना मैंने, वेदना शब्द का, इसकी व्याप्ति बहुत बढ़ती है। मुझे याद है, शायद मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार की एक महिला, एक रुग्ण मैंने देखा है, इसको लगभग इतनी वेगावरोध इतना हुआ था, मल का अवरोध, अन्य कारणों से पुरुष का अवरोध इतना हुआ था कि पेट में ऐसे बड़े बड़े गांठें ऐसे लगे जैसे कि उन्होंने कैंसर की गांठ हो, ऐसी गांठें हो गई थी, और छर्दी और निद्रा नाश, और पूरे शरीर में कहीं भी हाथ लगाओ वेदना, शूल और मूत्रावरोध, ऐसे सभी लक्षण एक साथ उत्पन्न हुए थे। वो बलवान था वेगावरोध, लेकिन वो बहुत वेग अवरोध ये दूसरे प्रकार का था जो मैंने बताया उदावर्तन में, उसी प्रकार का था। तो ऐसे बार बार करने वालों को हो सकता है। अब इसके बाद शस्त्र से वातानुलोमनम, उसके लिए बस्ती वातानुलोमन ये आप कर सकते हो। इसके बाद का जो है सबसे महत्वपूर्ण है 14, पढ़ो। चौदह नंबर मूल अध्याय पे 14, कंडू कोठ अरु अरुचि व्यंग शोथ पांडवामय ज्वराः कुष्ठ रुल्लास विसर्प विसर्पाः छर्दी निग्रहजाः गदाः। ये छर्दी निग्रह के व्याधि है। अभिप्राय इसका यह है कि आप बार बार छर्दी निग्रह करते हो, यानी ऐसे पेशेंट मिलते हैं कि जिनको कुछ कारणवश एक दिन आड़, 2 दिन आड़, हफ्ते में 2 बार, पखवाड़े में 4 बार, ऐसी छर्दियां होने की आदत, आदत नहीं कहता हूं, अवस्था होती है। और इस अवस्था की चिकित्सा सम्यक करना यदि कोई जानता नहीं है, तो उसको बार बार छर्दी निग्रहण करने वाले आधुनिक दवाइयां दी जाती है। कुछ लोग ये दवाइयां पास में रखते हैं और ऐसा कुछ होने लगा तो गोलियां खा लेते हैं, ये भी छर्दी निग्रह है। ये गोलियों से किया आपने, छर्दी हो रही थी तो उसको अपने गोलियां दे देकर दबा लिया, उसका परिणाम ये होता है कि जो दोष स्वयं बाहर निकलना चाहते हैं उनकी प्रवृत्ति बाहर निकलने की है, उनको आप रोक रहे हो। और ये क्यों निकल रहे हैं? वो प्राकृत नहीं है, वो वृद्ध है,
साम है, विदग्ध है। और इनको यदि आप एक बार निकाल देते हो तो शरीर शांत होता है, और यदि आप बार बार गोलियां ले लेकर दबाते हो तो ये परिणाम उसका ये होने वाला है, कंडो, कोठ, कोठ यानी उदर का प्रकार, हेतु छर्दी निग्रह अथवा अतिसार निग्रह अथवा रक्तपित्त निग्रह, अर्श में रक्त स्राव हो रहा, आपने अवरोध किया, ये होगा। रक्तपित्त में रक्त गिर रहा है, आपने रोका, ये होगा, कोट होगा। छर्दी रोक दिया, कोट होगा। कोट ये शब्द स्वयं प्रवृत्ताश्च चलामलाहा, चल बाहर निकलने वाले, इच्छा रखने वाले, स्वयं प्रवृत्त मल, इनको जब रोकते हो तो उसका परिणाम कोट होता है। भागवत का एक वाक्य है, स्वयं औषधे नौषधे धारये धीमान, इनको औषधे से धारण मत करो, नौषधे धारये धीमान, स्वयं प्रवृत्ताश्च चदा मलाहा, जब मल स्वयं बाहर निकल रहे हो उनको धारण मत करो, औषध देकर, न औषध धारय धीमान विध्रुतास्ते ही रोगदाहा, ज्वर में सर्दी आती है आने दो, दोषों को निकल जाने दो, उनको रोको मत। परिणाम ये होता है, जैसी सर्दी हो जाती है ज्वर का बल एकदम से कम हो जाता है। जिसमें ज्वर सर्दी नहीं आती है उसमें ज्वर 2, 3, 4, 5 दिन लेता है, लेकिन जिसको सर्दी होती है आप उसको रोकते नहीं है, 1 या 2 सर्दियां होने देते हैं और उसके बाद वो स्वयं शांत होता है, सायंकाल में ज्वर बंद हो जाता है, वायरल फीवर भी हो जाता है। इसलिए सर्दी रोकना 2 प्रकार की है, एक स्वयं रोकना और औषधि ही धारये धीमान, न औषधि धारये धीमान, औषधों से भी उसका धारण नहीं करना चाहिए। यदि करते हो बार बार तो कुष्ठ, विसर्प, कंडू, व्यंग, कुष्ठ ये रोग होने वाले हैं, व्यंग इत्यादि रोग होने वाले हैं। इसमें चिकित्सा में क्या करना है, पहली चिकित्सा बताइए, भुक्त्वा प्रच्छर्दनम्। क्या करो, कुछ खाने को देकर पहले प्रच्छर्दन कर दो, दही चावल खाने दो, पेय पीने दो, और या तो अंगुली डालकर वमन करा लो, या तो तिक्तरस देकर वमन करा दो, या तो लवण जल पिलाकर वमन करा दो, फिर ये उपद्रव नहीं हो गए। जो भी हो रहे हैं वो स्वयं एक बार उल्टी होने दो, ये शांत हो जाएंगे। इसलिए यदि कोई रोगी ये कहता है कि ऐसे हो रहा है तो संभवतः उस व्यक्ति ने बार बार एक अवरोध की सर्दी का अवरोध किया है। उसके बाद फिर भुक्त्वा प्रच्छर्दनम्, फिर धूमपान लंघनम्। अब यहां पर लंघनम शब्द पर व्याख्यान करना आवश्यक है। जहां पर बच्चा छोटा है, सर्दी कर नहीं सकते हो आप, वमन देने की अवस्था नहीं है, वहां आपको उसको लघु अन्न देना है, जो दोषों का पाचन करने में समर्थ हो, भोजन भी देंगे, हल्का सा उपवास और उसके बाद छोटी सी दवा जो कि दोषों का पाचन करे, प्रसव श्रिया।
अथवा शंख भस्म अथवा कपरदिक भस्म, इनका प्रयोग आप कर सकते हो तो पाचन देना उनको। तिक्त रस का क्वाथ अल्प अल्प मात्रा में देकर आप कर सकते हो। दूसरा एक नियम है कि जो व्यक्ति बलवान है उसका तो आप बोन करा लो, और जो बलवान नहीं है उसको यदि आपको रोकना आवश्यक ही है तो आप उसको रोक दो, और फिर रोकने के बाद दोषों का पाचन करवाओ। ऐसी अवस्था में आप व्याधि की अवस्था देखकर ये निर्णय चिकित्सक को करना है। कभी कभी ऐसी अवस्था आती है कि सर्दी वेग का आपको सर्दी अवरोध भी करना पड़ता है औषध देकर, और यदि हो रही है तो उसको बंद भी करना पड़ता है। इस अवस्था में ग्रंथकार कहते हैं यदि ऐसी अवस्था आती है तो आपको निर्णय स्वयं लेकर सर्दी को अथवा रक्त प्रवृत्त हो तो उसको भी रोक कर फिर दोषों का पाचन करना चाहिए। ये सभी व्याधियों में उसका वर्णन है। रक्तपित्त में भी उसका वर्णन है कि आप यदि रक्त रोगी बलवान नहीं है और आपको रक्त रुकवाना है तो आपको आवश्यक है बलिनः त्यक्त भोजनः दुर्बलः। ऐसी अवस्था आती कभी कभी कि रुग्ण दुर्बल है, अवस्था ऐसी नहीं है, गर्भिणी है, ज्यादा वजन वेग नहीं आने सकते, तो इस अवस्था में आप उनको रोक कर पाचन द्रव्य के अनुलोपन द्रव्य से आप मेंटेन कर सकते हो। इसलिए लंघन रक्त मोक्षण जिसको संभव है करना, जिस व्यक्ति के लिए आप कर सकते हो तो रक्त मोक्षण करना चाहिए। वृक्षन्न पानम, और ये प्रायः संतर्पण जन्य होती है, इसलिए आहार में औषध में वृक्ष अन्न वृक्ष पान वृक्ष भोजन देना चाहिए जिनको कुष्ठ हुआ है। क्यों? बार बार सर्दी अवरोध करने से जिनको कोट हुआ है वेग अवरोध के कारण, अन्य व्याधि हुए है कुष्ठ रुल्ला से विसर्पादे, तो इनमें आपको तिक्त रस का सेवन औषध रूप में करना चाहिए। वृक्षान्न पानम में तिक्त कषाय पहले करना चाहिए, और निराम अवस्था हो तो व्यायाम करने के लिए कहना चाहिए निराम अवस्था में, और आवश्यक हो तो आप विरेचन भी करवा सकते हो, क्योंकि इनमें होने वाले व्याधि व्यंग इत्यादि ये पैतिक भी है, कुष्ठ विसर्प ये पैतिक भी है, इसमें समपित्त का अवरोध होता है, इसलिए आपको अविपत्ति कर अथवा अन्य द्रव्य देकर विरेचन भी कर सकते हो। इसलिए वे छर्दी निग्रह दो प्रकार का होता है, एक आपने किया है रोगी ने और दूसरा वैद्य ने किया है, तीसरा आपको चिकित्सा वश करना पड़ा है। तीनों अवस्था में आपको चिकित्सा इसी प्रकार करनी है। हो गया इस प्रकार विरेकस छात्र। उसके बाद 16 पढ़ो। 16 धारणात तत्र ऊर्ध्वजत्रुके अभ्यंगः स्वेदो धूमः सनावनाः हितं वातघ्नं अद्यं च घृतं च उत्तरभक्तिकम्। अब तत्र ऊर्ध्वजत्रुके सप्तमी है, ऊर्ध्वजत्रु में होने वाले व्याधि ये कब होते हैं? ये प्रायः क्षवथोः विदारणात् स्यात्। क्षवथो क्षवथु शब्द है,
क्षवतु उकारांत शब्द है, तो उसका क्षवत हो षष्ठी एकवचन हुआ है। विदारणात ये पंचमी है, और शात ये क्रियापद है, और विदारणात शब्द अलग निकालना है, शात अलग निकालना है। शात में तो आधा आता है और फिर इधर विदारण अलग होता है, तो का यहाँ द हुआ है। तो इन क्षवतो हो विदारणात शात, क्षवतु यानी छींक, इसके विदारण से व्याधि होते हैं। कौन से होते हैं? मन्या स्तंभ। अब मन्या स्तंभ होता है, क्षवतु के विदारण से होता है। अब हमें यहां ये देखना है, ठीक है, लेकिन क्षवतु का कारण यदि शीत स्पर्शज मारुत है और श्लेष्मा प्रकोप शीतोत्थ है, ये प्रायः इन कारणों से होता है। बार बार छींक आना, जैसे आप घर में बैठते हैं, किसी ने झोंक लगाई तो छींक आती है, वो कुछ समय के लिए आती है, उधर वहां से बाहर निकल गए तो नहीं आती। लेकिन व्याधियों में छींके बार बार आती है, जैसे वर्षा ऋतु है, ठंडा हवा चल रही है, दुर्दिन है और छींक आ रही है, और इसमें कभी ऐसे कभी कभी अचानक छींक रुक जाती है अथवा रोकी जाती है, दोनों होता है। इस अवस्था में चिकित्सा का दोष निर्णय प्रायः श्लेष्मा होता है, ऊर्ध्व जठर का श्लेष्मा। ऋतु कौन सा है ये ध्यान में रखना है, ये प्रायः वसंत में होता है और दूसरा वर्षा में होता है। वसंत में श्लेष्मा प्रकोप है, वर्षा में वात श्लेष्मा दोनों शीत गुण से प्रकोपित होते हैं। इसलिए चिकित्सा में आपको इसमें दोषों का निर्णय करते हुए श्लेष्मा और वायु यदि ये बलवान है, ऋतु अनुकूल है, तो इनका विचार प्रायः, क्योंकि क्षेत्र श्लेष्मा का है, तो उसकी चिकित्सा उस पे ये लक्षण हो गए मन्यास्तंभ, ये मन्यास्तंभ कफज हो सकता है, कफवातज हो सकता है, शिरस्यूल ये भी कफवातज हो सकता है, अर्दित ये शीतोत्थ हो सकता है, शीतोत्थ कफवातज हो सकता है, अर्धावेदक ये भी शीतोत्थ कफवातज होता है, और इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम ये भी प्रायः कपवातज होगा। इसलिए चिकित्सा में तत्र ऊर्ध्व जंतु के स्वेदहा धूमहा अभ्यंगः। अब यहां पर प्रश्न ये आएगा, स्वेदहा धूमहा सनावनः, और पहला अभ्यंग दिया है, इसका अर्थ ये नहीं कि पहला अभ्यंग करना है आपको, आपको पहले धूम दे, पहले स्वेद देना है। स्वेद देने से श्रोतस खुले हो जाते हैं, श्रोतस खुले होने के बाद फिर आप नावन वगैरह कर सकते हो, नहीं तो दोष निकलते नहीं, और धूम्रपान भी कर सकते हो बाद में, तो प्रायोगिक धूम्रपान से भी दोष निकल सकते हैं, वैराग्य की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती है। यदि बलवान दोष है तो ही पड़ेगी, अन्यथा प्रायोगिक धूम्रपान से भी ये ठीक हो सकता है, लेकिन उसके पहले आपको आवश्यक है कि आप पहले स्वेद दोगे, फिर नावन दोगे, फिर धूम्रपान करोगे, और उसके पूर्व स्वेद के बाद अभ्यंग करोगे। अब ये स्वेद कौन सा देना है,
या आप स्थानिक श्वेत दे सकते हो, वृक्ष श्वेत स्थानिक गर्म कपड़े से, जिसको खरपर श्वेत कहते हैं, वो भी आप दे सकते हो, ताप श्वेत कहते हैं उसको। ताप श्वेत में हस्त खरपर वगैरह इनका प्रयोग करके आप दे सकते हो, नहीं तो वालों के पोटले बनाकर ऊपर आप भी दे सकते हो इस प्रकार। और इसमें एक मैं बात आपको अनुभव के आधार पर ये कहता हूं कि क्षबोतु का वेग धारण किया है और ये हुआ है तो अपने मन्यस्तंभ की चिकित्सा कर रहे हो, ऐसे नहीं सोचना, आप क्षबोतु निर्माण करने वाले दोष की चिकित्सा कर रहे हो। मुद्दा महत्व का है, मन्यस्तंभ ये लक्षण है, संप्राप्ति करने वाला श्लेष्मा है और उसमें व्याधि निर्माण करने में सन्निकृष्ट हेतु वेगावरोध है। वेगावरोध सन्निकृष्ट हेतु है, सन्निकृष्ट यानी ट्रिगरिंग फैक्टर है, लेकिन शरीर में दोष है, उन्होंने प्रतिष्ठा किया है, शरीर में दोष है, इसलिए ये मन्यस्तंभ लक्षण है अभिव्यक्ति का। इनके पीछे या तो वात प्रकोप स्वतंत्र हो, या तो वात श्लेष्मा हो शीतोत्त हो, अथवा द्रव गुण से श्लेष्मा हो और शीत गुण का भी और प्रयोग है। इस प्रकार इसका विचार इस आधार पर नहीं करना है, केवल लक्षण के आधार पर, वहां पर इस लक्षण करने में सन्निकृष्ट हेतु एक है और विप्रकृष्ट हेतु श्लेष्मा वृद्धि का हो सकता है, उसमें देश ऋतु अन्नपान और विहार ऐसे अनेक हेतु हो सकते हैं, उनका चिकित्सा आपको करनी है। तो मन्यस्तंभ शिरशूल अर्जित अर्धाव भेदक, इसलिए इन सब में आपको दोषों का विचार करना ही है। अब उसमें हितम च वातग्नम आद्यम, आद्यम यानी भोजन वो करना ही है, आद्यम। उसके बाद घृतम च, अब घृतम च औत्तर भक्तिकम। अब यहां पर ये सामान्य चिकित्सा सूत्र है, इसका अर्थ ये होता है कि चिकित्सक ने, हमने सूत्र दिया है, चिकित्सक ने रोगी उसके योग्य है कि नहीं देखना है, देय है या अदेय है, अनुवासनों के लिए बताया हमने, लेकिन रोग अनुवासन का होगा, लेकिन रोगी को अनुकूलता है क्या, अवस्था को अनुकूलता है क्या, आपको देखना है नहीं, तो उन्होंने ग्रंथकर्ता ने बताया देना है, नहीं ऐसे नहीं करना है, आपको अवस्था का ज्ञान होना चाहिए। न तो योग ही है वो तो केवलम, ग्रंथकर्ता ने कहा है, श्लोक में लिखा है, इसमें व्रतपान देना है, देना है, लेकिन वो अवस्था यदि इस समय उपस्थित है तो निश्चित देना है, और यदि वो अवस्था नहीं है तो आपको उसके बाद देना है, क्योंकि हम चिकित्सा दोषों की करते हैं। यदि साम ज्वर है, छींक आई है और आपने गुरुत्वपान कर दिया, व्याधि पड़ेगा, इसलिए अवस्था देखकर यह निर्णय करना है। घृतम च औत्तर भक्तिकम, यानी स्वेद हुआ, अभ्यंग हुआ, नावन हुआ, वातग्न आहार विहार हुआ, आवश्यक हो तो अपने कफग्न भी दिया, इसलिए हेतु महत्व के है हर जगह। उसके बाद फिर आपने औत्तर भक्ति का घृतपान किया है, औत्तर भक्ति की टीका है भोजन करने के बाद, उसकी चक्रपाणि ने टीका की है पिछले पन्ने पर, वो देखो
उत्तर बीच पेटी का है, अद्यम खाद्यम भोजनम इत्यर्थः, बिल्कुल सेंटर में है, लगभग 8वीं 9वीं लाइन है, अद्यम खाद्यम भोजनम इत्यर्थः। आद्यम यानी पहले, खाद्यम बाद में। खाद्यम यानी भोजन, आद्यम खाद्यम, तो उसमें आद्यम खाद्यम आद्यम भोजन पहले देना है और फिर उसके बाद देना है। या उत्तर भक्ति की ये सामासिक शब्द है, भक्ति कश्य उत्तरम उत्तर भक्ति कम घृतम, भोजन के बाद घृतपान देना है। मात्रा बल ज्यादा बलवान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भोजन के बाद दे रहे हो आप, अजीर्ण न हो इसका ध्यान रखना है। और ये वातग्न सैंधव युक्त आप दे सकते हो। ये हुआ वेग क्षवतो विदारणात्। अब इसके बाद समय समाप्त हो चुका है, यही रुकते हैं, इसके बाद श्लोक आगे लेंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे आने में बहुत देर हुई है, आज क्या हो पता नहीं, मैं थोड़ा सा लेट गया, नींद लग गई और पता नहीं लगा कब समय बीत गया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कोई आज बात यही नहीं सर, आप रुकते हैं। डेली इतना वक्त निकालते हैं, इसमें बहुत कुछ है सर, हम बहुत ही सौभाग्यवान हैं जो आपको सुन पाते हैं। चलो ठीक है। सर मैं प्रश्न है, प्रश्न प्रश्न एक दो ही है। क्या गया गया हाँ, धारणीय वेगों का उदीरण किया जाए तो क्या सेम लक्षण उत्पन्न होते हैं, क्या अलग उत्पन्न होते हैं ये अगर अगली बार उदीरण। सबका मिलकर बताऊंगा मैं। सभी रोगों वेगों का उदीरण भी नहीं करना है, उसके परिणाम भी बताऊंगा, सब मिलकर जी बताऊंगा अगली सर, बार। जी सर, और सर पिछले लेक्चर में जो अवपीड़ स्नेह के बारे में बताया गया था, तो उसकी मात्रा और उसे कब लेना है, उसका समय, इसके बारे में जानना चाहते हैं। एक मूत्र निग्रह चिकित्सक एक मिनट एक मिनट, मध्य। हाँ बताता हूँ। देखो चरक सूत्र स्थान अध्याय 13 पेज नंबर 83 श्लोक नंबर 31 32। स्नेहाध्याय इकतीस 32 33। स्नेह नित्याये क्षुत पिपास असहा नराहा पावकाः च उत्तम बलो येषां ये च उत्तमा बले गुल्मिनाः सर्पदंष्ट्राश्च विसर्प उपहताश्च ये उन्मत्ताः कृच्छमूत्रांश्च गाढवर्चस एव च पिबेत उरु पिबेयुः उत्तमां मात्रां तस्याः पाने गुणात् शृणु विकार हाँ ठीक है, मैं विकार बाद में पढ़ो। अब देखिए ये विषय है उत्तमा मात्रा का। उत्तमा मात्रा मूत्र कृच्छ्र में देनी है। शब्द पढ़ा आपने, उत्तमा मूत्र कृच्छ्राश्च उन्मत्ता मूत्र कृच्छ्राश्च
गाढ़ वर्चस एव च पिबेयो उत्तमां मात्रां। मूत्र क्रोश्र में जब वातपित्तोत्तरावस्था हो, दोषों का पाचन हो गया हो, निरामावस्था हो, तब शुद्ध वातज मूत्र क्रोश्र में और अश्मरी में आप उत्तम मात्रा में स्नेहपान दोगे, दे सकते हो। किसको? जो नित्य स्नेहन करते हैं, यानी जिनके स्नेहपान की क्षमता अच्छी है, भोजन में स्नेह पचा सकते हैं। और क्षुद पिपासा सह, क्षुधा पिपासा इनको सहन कर सकते हैं। ये सामासिक शब्द है, क्षुद पिपासा सह, ये सहन्ते, क्षुधाम सहन्ते, पिपासाम अपि सहन्ति ते नराः, ते क्षुद पिपासा सह नराः। और पावकश्च उत्तम बला येषाम, जिनका पावक यानी अग्नि उत्तम है, उत्तम यानी आहित बल है, व्यायाम आहित बल है, ऐसे व्यक्ति में कैसे, जिनको स्नेह पचाने की क्षमता है, क्षुत सहन करने की क्षमता है, पिपासा सहन करने की क्षमता है, इसका अर्थ यह है कि आपको मात्रा बड़ी देनी है। और बड़ी देने के बाद हो सकता भूख सहन न हो, आप भोजन करने की इच्छा हो, उसमें अजीर्ण भोजन हो सकता है, इसलिए मात्रा ऐसी एडजस्ट करना, क्योंकि यहाँ आपको मात्रा जो दे रहे हैं ना, वो तिर्यगत दोषों को कोष्ठक में डालने के लिए नहीं दे रहे हो आप। मूत्र क्वेश्चन में आप स्थानीय दोषों को अवरोध करने वाले भाव को निकाल रहे हो और दोषों का क्षमन आप कर रहे हो, सार्वधिक दोषों का क्षमन। तो इसमें ये मात्रा 6 घंटे से 12 घंटे तक के आप दे सकते हो, जिनको परिणमन होने में 12 घंटे लगे, 6 घंटे लगे अथवा 8 घंटे लगे, ऐसी बड़ी मात्रा आप दे सकते हो, क्योंकि आपको पूरे शरीर को उत्तम स्निग्ध करके अवरोध करने वाले दोषों को निकाल देना है। देखिए दोषा, ये 34 नंबर पढ़िए, दोषानुकर्षिणी मात्रा। ये मात्रा कैसी है? दोषानुकर्षिणी है, हटाक्ष दोषों को निकाल देती है, यही अवरोध है। अपने तीक्ष्ण द्रव्य युक्त दिया, प्रमाचित द्रव्य से स्नेह दिया, क्षार युक्त स्नेह दिया, ये दोषों को निकाल, एक ही मात्रा में निकाल देगा। ये मात्रा बार बार देने की नहीं है, ये एक ही बार पूर्ण मात्रा 24 घंटे के देकर पेशेंट को ठीक करना है, उन्मत्त व्यक्ति को, सर्पदष्ट को, वातजगुल्म को, ये बड़ी मात्रा देनी है। अब जो इसमें नहीं बैठते हैं उनको आप फिर छोटी छोटी मात्रा बार बार दे सकते हो, भोजन के साथ दे सकते हो, शमन मात्रा, शमनम क्षुद्वतो अनन्नो, अनन्न देना है, इतनी देना है कि भोजन अवरुद्ध न हो, शमन भी दे सकते हो आप, ब्रुंगन भी दे सकते हो, शमन ही करना है आपको, तो आप शमन के लिए, वात शमन के लिए सब भोजन मिश्र ब्रुंगणो रसमद्याद्य ही, और आपको उत्तम मात्रा में स्नेह देना है, अच्छे स्नेह देना है, तो भी आप दे सकते हो, बशर्ते अग्नि उत्तम हो, काल अनुकूल हो, अवस्था योग्य हो। तो पित्ताश्मरी में, मूत्र कुश्र में, मूत्राश्मरी में आप ये उत्तम मात्रा देकर, वो भी विरेचन द्रव्य से युक्त यानी त्रिफला जैसे देकर, आप बड़ी मात्रा 50 ml की मात्रा एक साथ देकर या उससे भी अधिक मात्रा अवस्था देकर आप दे सकते हो। चलो अगला,
सर क्षवथु की वेग विधारण की चिकित्सा में अभ्यंग और स्वेदन जैसे बताया है, तो आपने कहा कि स्वेदन से पहले अभ्यंग करना है, तो ऐसा क्यों करना है? स्वेदन के पहले यानी मैंने उल्टा कहा। अभ्यंग से पहले स्वेदन देना है। हाँ, अवस्था यदि, क्योंकि अभ्यंग ये अवस्था श्लेष्मा में वर्ज्य है, वर्जो व्यंग कफग्रस्त, तो इसलिए पहले अच्छा स्वेद देकर फिर आप अभ्यंग करके, आप क्योंकि आपको देना जरूरी है, स्थानिक अभ्यंग करना है, तो श्लेष्मा क्षय करने के बाद, उद्वर्तन करने के बाद आप अभ्यंग दे सकते हो, इसलिए दिया, क्योंकि वर्जो व्यंग कफग्रस्त कृत संशुद्ध अजीर्ण भी, अजीर्ण में और कफज व्याधि में वर्षा में अभ्यंग वर्ज्य है। थँक्यू सर. झालेत सर प्रश्न. मैं फिर से क्षमा मांगता हूँ, बहुत गलती हुई मैं।